बच्चों आप सब कैसे हो? बढ़िया, चलो बहुत अच्छी बात है। आप पढ़ाई करते रहिए और कंटिन्यूटी पढ़ाई करते रहिए, और आप अपनी टेक्स्ट बुक लो, उसमें देखो टॉपिक, उसमें भी कुछ पढ़ने की कोशिश करो। कुछ यहाँ पढ़ाया जा रहा है, जो यहाँ पढ़ने के बाद में उसमें छोटे छोटे न्यूमेरिकल होंगे, जो इनके ऊपर जो मान है उनके ऊपर मान पुट अप कर लो, जो वैल्यू होगी पर्सन में आंसर निकाल सकते हो। चलो आज पढ़ाएंगे सतत आवेश वितरण में दूसरा टॉपिक, और वो है पृष्ठ आवेश घनत्व। इससे पहले पढ़ाया था रेखीय आवेश घनत्व, बड़ा सिंपल था। रेखीय आवेश घनत्व जिसमें चालक तार कैसा था, सीधा था। इसमें क्या है, कोई वस्तु उसके पृष्ठ के ऊपर कितना आवेश उपस्थित है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व किसे लिए नोट करते हैं, सिग्मा से। और पृष्ठीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, जरा इसकी डेफिनेशन देख लो आराम से, है ना। और इसको वन बाय वन अपने होमवर्क करना है, कॉपी के अंदर नोटबुक में उतारना है, पूरा होमवर्क करना आपको, और इसको याद करना है बार बार, ठीक है। तो किसी वस्तु के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर स्थित आवेश को क्या कहा जाता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसे किससे डिनोट किया जाता है, सिग्मा से। पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर क्या होता है, आवेश बटे क्षेत्रफल। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन ए, क्योंकि आवेश को क्यू से लिखते हैं, क्षेत्रफल को कैपिटल ए से, या हम कई बार इसको इसी को हम किससे लिखते हैं, एस से भी लिखते हैं बच्चों। कई बुक, कई जितने बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें एस ले रखा है, किसी बुक में क्या ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, बात है कि एरिया होता है, ठीक है ना, ओके। और इसको कई एरिया, कई बार इसको सरफेस ले लेते हैं, एक ही बात है, राइट, ठीक है। चलो इसका मात्रक कूलम्ब प्रति क्या हो जाएगा बच्चों, मीटर स्क्वायर। पता होगा सबको, ये भी नहीं पता आपको भाई, ये तो पहले चैप्टर में भी बहुत सारी चीजें, और ये 11th क्लास में तो हमने पढ़ाई यही है बार बार कि ये मात्रक क्यों आते हैं, क्या नहीं, पता नहीं कितने मान निकाले हमने चीजें। और मात्रक भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से बता रहा कैसे निकाला जाता है ना, किसी भी क्वांटिटी को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, है ना। तो क्यू सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन ए कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर। इधर आओ, इसकी बीमा क्या हो जाएगी बच्चों, रेखीय आवेश घनत्व की बीमा बताई थी, एम की जीरो, एल की इनवर्स, टी की वन, ए की वन, क्योंकि उसमें लंबाई थी, क्यू बाई एल था, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल हुआ था या नहीं हुआ था। इसमें क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, क्षेत्रफल है, तो बीमा क्या हो जाएगी बच्चों, इसकी इसकी हो जाएगी एम की जीरो, एल की माइनस टू, टी की वन, ए की वन। समझ में आ गई बात, ठीक है। उदाहरण, अब देखो मैं एग्जांपल बताने से पहले आज एक अच्छी चीज बता देता हूँ, जो आपको हमेशा याद रखना है और भूलना भी नहीं है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और हमेशा उसके ऊपर जो आज बताऊं उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान निकालेंगे हमेशा सेम रहेगा लाइफ में, हमेशा सेम सेम मान, बस सिर्फ एक गोले के लिए फर्क होगा। क्या है देखो, अगर ये मेरे पास चालक गोला है, क्या है, चालक गोला, परंतु ये कैसा है, ठोस भी हो सकता है और खोखला भी हो सकता है, ठीक है, दोनों कंडीशन हो सकती हैं। और एक तीसरा गोला है, कौन सा, अचालक गोला है, लेकिन ये कैसा होगा, अचालक गोला ठोस नहीं होगा बच्चों, कैसा होगा, खोखला। तो तीन कंडीशन हो गई, चालक गोला ठोस या खोखला, अचालक गोला क्या होगा, खोखला। इसके ऊपर जो आवेश होगा बच्चों, इसके ऊपर जो आवेश होगा वो हमेशा कहाँ होगा, गोले के पृष्ठ पर होगा, कहाँ होगा, गोले के पृष्ठ पर। और गोले के पृष्ठ पर अगर आवेश है और उसके अंदर कितना विद्युत क्षेत्र है, अंदर हमेशा जीरो। कई बार पूछा जाता है ठोस गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है बच्चों, कितना होता है, जीरो, शून्य, याद रखना, ठीक है। और अगर यही गोला कैसा होता, अचानक गोला ठोस होता, तो अंदर कितना होता है विद्युत क्षेत्र, अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होती। अब वो उसकी कैलकुलेशन करना पड़ेगा कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। इधर आ जाइए, आवेश चालक गोला ठोस या खोखला, आवेश दिया, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू आवेश, एक समान रूप से विपरीत है इसके पृष्ठ के ऊपर, इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा, बोलो, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन क्या होगा बच्चों, ए। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू, सब पे पूरा पृष्ठ के ऊपर क्या है, क्यू आवेश, समान रूप से विपरीत है, क्यू अपॉन। अब ये क्षेत्रफल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई, और उसकी त्रिज्या कितनी है आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आ रही है बात, ठीक है। इधर आ जाइए, अब नीचे
आगे से चालक सतह या पृष्ठ पर मान लीजिए कोई पृष्ठ था ऐसा कोई वस्तु उसके ऊपर प्लस क्यू आवेश समान रूप से बीती तो उसका क्षेत्रफल कितना है एक यानी एरिया तो उसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन क्या हो जाएगा ए। समझ में आ रही है बात, सिंपल बात थी इसकी तो पृष्ठ के ऊपर इसका क्षेत्रफल कितना है ए है तो मैंने लिख दिया क्यू बाय ए। आज से एक बात तो जितने भी ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं सारे याद करोगे आप जितने भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ छोटे छोटे और ये ज्यादा बड़े टॉपिक है नहीं और छोटे छोटे टॉपिक हैं ये क्लियर कर लो। अब थोड़े अब इसके बाद में बचेगा आयतन आवेश घनत्व है वो अगले वीडियो में आ जाएगा और उसके बाद में फिर पढ़ाए गाउस के नियम और गाउस का नियम जैसे पढ़ोगे फिर उसके अनुप्रयोग सिक्स अनुप्रयोग है फिर उसके बाद में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बड़ा सिंपल चैप्टर है और इसको समझने की कोशिश करो और पढ़ाई करते रहो ठीक है।